और शनिवार को जहां पूरा देश आज ईद मना रहा था, तो वहीं आज राजगढ़ के जीरापुर में राज्य सरकार के आदेश के बावजूद एक निजी स्कूल ने स्कूल खोला। और यही नहीं, इस बच्चों की परीक्षा भी यहां पर ली गई। अभिभावकों और छात्रों का कहना था कि गुड फ्राइडे के दिन भी स्कूल खुला रहता है। जब इस संबंध में हमने स्कूल प्रबंधन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इसके लिए भी मना कर दिया। इस बाबत जब जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने जाँच के बाद स्कूल पर कार्रवाई करने की बात कही है। तो राजगढ़ में ईद के दिन भी स्कूल लगा है और बच्चों की परीक्षा भी हुई है। तो राजगढ़ का यह स्कूल जहां ईद वाले दिन शासकीय अवकाश के दिन भी स्कूल खुला रहा और ऐसे में बच्चों की परीक्षा, क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? ये बड़े सवाल News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के। विभाग ने तत्काल कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ये तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और प्रशासन के आदेश की इतनी बड़ी अनदेखी कैसे हो गई शहर में, ये बड़ा सवाल है। इधर क्या स्कूल संचालक को कार्रवाई का डर नहीं है, ये भी बड़ा सवाल है। और ऐसे में क्या आदेश के बाद भी स्कूल खोला गया, ये तमाम बड़े सवाल हैं। इसके अलावा प्रशासन को इसकी जानकारी क्या नहीं थी, ये इन तमाम सवालों का उत्तर फिलहाल News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तलाश रहा है। और ऐसे में कब तक जिला प्रशासन इस स्कूल पर कार्रवाई करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बच्चों को स्कूल बुलाया गया, ईद के मौके पर भी स्कूल खोल दिया गया। और चलेंगे राजगढ़, बात करते हैं सहयोगी मनीष राठौर से। मनीष, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? एक बड़ी अनदेखी जिला प्रशासन की, अवकाश के दिन भी स्कूल खोल दिया गया, क्या वजह निकल कर सामने आ पा रही है? मनीष, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो ईद के मौके पर बच्चों की परीक्षा आयोजित की गई और जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच की, यहां पर बात कही है। और चलेंगे एक बार फिर राजगढ़, बात करेंगे सहयोगी मनीष मारू से। मनीष, अवकाश के दिन भी स्कूल यहां पर खोल दिया गया है, जानकारी पहले आपको दे दें, उसके बाद मनीष से बात करेंगे। ईद के मौके पर बच्चों की परीक्षा यहां पर रख दी जाती है, जिला प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है, अब कार्रवाई की बात जिला प्रशासन कह रहा है, लेकिन राजगढ़ के इस स्कूल की मनमानी साफ तौर पर देखने को मिली है। अवकाश के दिन स्कूल खोल दिया गया, बच्चों की परीक्षा आयोजित कर दी गई। बता दें ईद के दिन आज शासकीय अवकाश का दिन था और ऐसे उसके बावजूद भी स्कूल खोल दिया गया। ईद के अवकाश का आदेश जो है वो जारी किया गया था पूरे प्रदेश भर में और ऐसे में मध्य प्रदेश के राजगढ़ में इस स्कूल को खोल दिया गया, स्कूल लगा है। और अवकाश के दिन भी स्कूल संचालित करने के पीछे क्या मकसद है, और बड़ा सवाल एक ये उठ रहा है कि जिला प्रशासन को क्या इसकी जानकारी नहीं थी, क्या अवकाश के दिन स्कूल लगाए जाना इतना अनिवार्य था, क्यों ये तमाम सवालात खड़े हो रहे हैं और इसके पीछे क्या कुछ वजह है, कौन इसका जिम्मेदार है, किसकी अनदेखी, ये बड़ी जिम्मेदारी है। और चलेंगे एक बार फिर राजगढ़, बात करेंगे सहयोगी मनीष राठौर से। मनीष, क्या कुछ वजह निकल कर सामने आ पा रही है, अवकाश वाले दिन भी स्कूल संचालित किया गया, क्या वजह, क्या कारण? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, राजगढ़ जिले की जीरापुर का मामला है। जीरापुर में चित्रांश कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधन द्वारा, जबकि आज ईद की छुट्टी थी, लेकिन ये नहीं ध्यान करते हुए बच्चों को स्कूल में बुलाया गया और एग्जाम संचालित की गई। लेकिन इस बारे में जब वहाँ के प्राचार्य इनसे बात करना चाहिए तो ना तो उन्होंने फोन उठाया, ना कैमरे के सामने जवाब देने पर रुबरू रहे। उसके बाद जब जिला शिक्षा अधिकारी से इस बात की जानकारी लेना चाहिए तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल सख्त इन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन प्रबंधन द्वारा पूर्व में भी लगभग 5 से 6 महीने पूर्व भी छुट्टियां का प्रशासन ने अवकाश जारी किया था, लेकिन उस टाइम भी स्कूल बच्चों को बुलाया गया था। इस तरह से प्रबंधन हर बार लापरवाही करता है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अभी तक कोई उन पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बड़ी कार्रवाई की बात यहाँ पर की जा रही, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और अवकाश के दिन भी स्कूल संचालित किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ में राजगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी खुद जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है। सर, क्या कुछ वजह निकल कर सामने आ पा रही है कि आखिर राजगढ़ का ये स्कूल अवकाश वाले दिन भी संचालित हो रहा है? तो जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस वक्त बता दें आपको, ईद के मौके पर परीक्षा का आयोजन कर दिया गया, परीक्षा रख दी गई, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश था अवकाश का, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल संचालित किया गया।